हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो आज मैं अपने प्लांटेड एक्वेरियम के लिए कुछ फिशेस लेकर आया हूँ। ये है गप्पी फिशेस, काफ़ी फैंसी गप्पी है। फैंसी गप्पी ज़्यादा समय तक चलती नहीं है, पर मैं सोच रहा हूँ कि फैंसी गप्पी का ही कॉम्बिनेशन इस टैंक में बनाऊँ। तो काफ़ी देर से ये एक्युमुलेट हो रहा है, तो अब जा करके मैं इसे वाटर में डालता हूँ। फिर प्राइसिंग के ऊपर भी हम सब बात करेंगे। तो ये सब मेल गप्पी है, कलरफुल। चलिए इसको हम सब डालते हैं टैंक में, फिर इसका व्यू देखेंगे, फिर प्राइसिंग के ऊपर भी हम सब आएंगे, क्योंकि ये गप्पी मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ी है। ये है गप्पी फिशेस, टोटल मिला के है इसमें 3 पेयर गप्पी, और एक पीस का पड़ा है मुझे 40 रुपीस, तो आप ऐड कर सकते हैं, तो 6 पीस का हो गया 240। पता नहीं इसका दाम ये इतना क्यों रहता है। चलिए मैं इसको डायरेक्ट डाल देता हूँ, पानी क्लीन ही है। ये गई 6 पीस और गप्पी, कल मैं और भी गप्पी लेकर आऊँगा इसमें, क्योंकि अभी ब्लैक गप्पी, वाइट गप्पी बाकी है। अब ज़बरदस्त लग रही है, आपको मैं पास से दिखाता हूँ इस टैंक को। तो ये देख सकते हैं, ये मेरा प्लांटेड एक्वेरियम है। इसमें मैं सिर्फ गप्पी फिशेस रखने वाला हूँ, और काफ़ी ज़्यादा गप्पी फिशेस हो जाएगी। इसमें छोटे छोटे गप्पी फिशेस भी हैं, आप देख सकते हैं, इसी की बेबी है, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी ये। फिर मैं इसे सेल आउट भी कर सकता हूँ, अभी तो बहुत ही कम है क्वान्टिटी में। तो ये है आज की गप्पी, 40 रुपीज़ की एक गप्पी है, और खूबसूरत तो है, प्लांटेड एक्वेरियम लायक भी फिशेज है। और भी इसमें मैं गप्पी लाने वाला हूँ, इतने कम गप्पी से काम चलने वाला है नहीं, तो ये तो अभी कम गप्पी है इसमें। कैसी लग रही है ये प्लांटेड एक्वेरियम, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लांट को बहुत ज़्यादा हार्म ये स्नेल पहुँचाती है, बहुत ही ज़्यादा, इसलिए मैं इसके लिए इसको मारने वाला एक मछली इसमें ऐड किया हूँ, वो भी होगी किसी साइड, घूमते रहती है, लोच है, लोच उसका नाम है। ऊपर से भी आप टैंक का व्यू देख सकते हैं। जब भी आप गप्पी और मौली फिशेज जैसा फिशेज रखते हैं, तो कोशिश करें कि एक नॉर्मल सा प्लांटेड एक्वेरियम बना लें। मैं इस प्लांटेड एक्वेरियम को मात्र 100 रुपीज़ में कंप्लीट किया हूं। अगर आप वो वाला वीडियो नहीं देखें तो होगा ही, आप वीडियो खोज कर देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप जाकर वहां से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है सारा, आज मेल गप्पी है 6, और ये जो नॉर्मल वाली है ये फीमेल गप्पी है, और टोटल मिला के 12 है। अब मैं जो लाऊंगा वो ब्लैक गप्पी लाऊंगा और वाइट गप्पी, वो भी बहुत ज़बरदस्त दिखता है, तो 300 पेयर में भी मिलता है रेड गप्पी, वो भी मैं कोशिश करूंगा कि 1-2 पेयर ऐड करूं इसमें, तब जाकर कि ये टैंक बहुत ज़बरदस्त लगेगा। और अभी भी ज़बरदस्त ही लग रहा है, प्लांटेड एक्वेरियम से भरी हुई है। देखिए, प्लांट लगाने के बावजूद आपको गर्मी के दिनों में ये ऑक्सीजन चलाना पड़ेगा, और अब गर्मी आ रही है, तो 1-2 बात का आप ज़रूर ध्यान देंगे अगर आपकी फिशेस को बचाना है। तो क्या क्या ध्यान देंगे, तो नंबर 1 है कि पानी जो है वीकली 30% चेंज करते जाएं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नया पानी डालेंगे तो पानी में थोड़ा सा गर्मी कम रहता और ठंडक रहेगा, तो जिस वजह से ऑक्सीजन जनरेट बहुत ज़्यादा होगा। तो आप अच्छे ढंग से 30% वाटर जो है वीकली ज़रूर चेंज किया करें, उससे थोड़ा सा अमोनिया भी कम हो जाएगा, आपके टैंक में जितनी गंदगी है वो भी निकल जाएगी, और आपकी टैंक में नया पानी आने से ऑक्सीजन भी बढ़ जाएगा, जिससे फिशेस काफ़ी हेल्दी रहेगी। ये देख सकते हैं, छोटे बच्चे को खाने की होड़ में लग गया है सब, लेकिन छोटा बच्चा बहुत ही तेज़ है, तुरंत पेड़ में छिप जाएगा। और मैं रिमूव नहीं करने वाला हूँ छोटे बच्चे को, क्योंकि प्रत्येक 15 दिन में 20 से 25 इसमें आ ही जाते हैं छोटे बच्चे, कहाँ कहाँ रखूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो इसी में रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि इसमें मैं प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा लगा दूँ, ताकि कोई भी बच्चे जितने भी होंगे वो छुप जाएगी, और इससे हम सब का जो भी है ये बढ़ेगी खुद टैंक में। तो काफ़ी खूबसूरत है गप्पी फिशेस, आपको मैं करीब से दिखाता हूँ। ये आज की गप्पी है, ब्लू गप्पी है ये, कितनी ज़बरदस्त है। तो ये फैंसी गप्पी और ज़्यादा मैं लाने वाला हूँ जल्द ही, नॉर्मल गप्पी तो इसमें रखूँगा ही, पर फैंसी गप्पी भी रखूँगा, क्योंकि फैंसी गप्पी ज़्यादा खूबसूरत दिखती है, और इस प्लांटेड एक्वेरियम में और ज़्यादा खूबसूरत दिखेगी। तो ये है हमारी गप्पी फिशेस। इसको कौन सा गप्पी बोलते हैं, शॉपकीपर वाले डम्बो एयर गप्पी कुछ ऐसे ही बोले थे,
आई थिंक कमेंट में बताइए आप कौन सा ये गप्पी फिशेज है। तो कैसी लग रही है मेरी गप्पी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसके ऊपर मैं बार बार अपडेट लेते आऊँगा। और प्लांटेड एक्वेरियम अगर आपको सस्ते में बनाना है तो कमेंट कीजिए, मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बताऊंगा कि प्लांटेड एक्वेरियम एक्चुअल में 100 से 150 रुपीज़ में कैसे आप बना सकते हैं और खूबसूरत बना सकते हैं। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।